नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ बालाघाट द्वारा जिलाध्यक्ष शुभम उइके के नेतृत्व में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पूर्व आज जिला चिकित्सालय में पहुंचकर फल वितरण किया गया। इसके पश्चात नगर में वृक्षारोपण करते हुए नगर मुख्यालय स्थित रानी दुर्गावती भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। विभाग द्वारा रक्तदान हेतु सर्व सुविधा युक्त वैनिटी वैन उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें करीब 50 यूनिट रक्त डोनेट किया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ रानी दुर्गावती महिला मंडल एवं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कई कार्यक्रम सहभागिता और एकजुटता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सेवा भाव के साथ संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि विश्व आदिवासी दिवस कई वर्षों से आदिवासी समाजजन धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। आदिवासियों की आस्था और मांग के अनुसार पूर्व में कांग्रेस की सरकार द्वारा 9 अगस्त को सामान्य अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इसे ऐच्छिक अवकाश कर दिया है। इसे लेकर आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। आदिवासी विकास परिषद कैंसर पहली बार आई जिला शाखा बालाघाट जिला चिकित्सालय पहुँचे। ये विश्व आदिवासी दिवस पिछले हम 10 साल से निरंतर मनाते आ रहे हैं और इस साल भी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने आज जो है 8 तारीख को रानी दुर्गावती महिला मंडल, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले फल वितरण का कार्यक्रम जिला चिकित्सालय में रखा और अभी रानी दुर्गावती भवन में और रानी दुर्गावती चौक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद रानी दुर्गावती भवन में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा, जिसमें कम से कम 50 यूनिट ब्लड हम गरीब जो जिला चिकित्सालय में जिनको ब्लड नहीं मिलता उनके लिए हमने अरेंज करने का प्रयास किया। एक सबसे बड़ी चीज़ है 9 अगस्त मनाते इसलिए हैं, एक मानव सेवा का परिचय हम इस ज़िले के अंदर देना चाहते हैं। सबसे पहले मानव सेवा है, उसके बाद में सब सेवाएँ जुड़ी। मैं संध्या पूर्वेती आदिवासी विकास परिषद महिला मंडल की अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 9 अगस्त के उपलक्ष्य में आज मास्क वितरण और फल वितरण हॉस्पिटल में किया जाना है, जो प्रतिवर्ष के अनुसार एक दिन पूर्व किया जाता है और उसके बाद में अभी हम लोगों का कार्यक्रम होगा दुर्गावती चौक में, वहाँ पे वृक्षारोपण होगा और उसके बाद में भवन जाएंगे और भवन में वृक्षारोपण होगा, उसके बाद में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया जाएगा। जी शुभम जी, बताएं आज विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पूर्व आपके जो संगठन द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? जैसा कि आपको पता है कि कल विश्व आदिवासी दिवस है, तो हम लोग के पास में समय कम हो रहा था, इसलिए आज हमने एक दिन पहले ही वृक्षारोपण, फल वितरण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है रानी दुर्गावती भवन में। इसलिए प्रतिवर्षानुसार ये जो 2011 से चलते आ रहा है आदरणीय दिनेश दुर्वे जी भैया के मार्गदर्शन में, तो इस बार भी हम लोग फल वितरण कर रहे हैं और कुछ देर पश्चात ही हम रानी दुर्गावती भवन में GSU गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के सहायता से हम रक्तदान करवाएंगे। आपकी मांग थी सरकार से कि विश्व आदिवासी दिवस पर जो है एक दिन का अवकाश जो है सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए प्रदेश। जी जी, मुझे भैया एक बात समझ में नहीं आई कि जब भी भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा आदिवासियों का जो हित की बात करना चाहिए वो नहीं करती है। एक दिन शासकीय अवकाश दे रही थी तो क्या हो जाता? 2019 में कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने एक दिन की छुट्टी प्रदान की थी। एक दिन की छुट्टी इसलिए दी जाती ताकि सारे आदिवासी चिंतक लोग एक दिन बैठे समाज में और समाज के विकास के बारे में चिंता करें, लेकिन जब से भाजपा सरकार आती है वो आदिवासी हित की बात नहीं करती और ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। जिला अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद। बताए क्या करें? आज जैसा कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे, आज फलदान हुआ, हमने वृक्षारोपण किया, फिर हॉस्पिटल में ये बात सामने आई कि रक्त की काफ़ी शॉर्टेज है, वहाँ पे देखा गया सो ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ब्लड नहीं था, तो हम लोग ने ये निश्चित किया कि आज जितने भी युवा साथी माता शक्ति हैं उनको एक जगह पे बुला के वैनिटी वैन पे आज हम लोग रक्तदान करवा रहे, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी रक्त की कमी थी और प्रतिवर्षानुसार हम लोग रक्तदान करते हैं, जिसमें हमारे सारे संगठन, जिसमें रानी दुर्गावती महिला मंडल, GSU के पदाधिकारी है जो हमारे साथ में परस्पर सहयोग के साथ में हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हुए आ रहे 2011 से और इस साल भी हमने 2021 में ये कार्यक्रम करवाया और उसी के 20 से 30 अभी यूनिट जो है कुछ हुई और हम लोग करते आ रहे हैं। लगभग कितना यूनिट जो है वो रक्तदान हो जाएगा? आज का हम लोग का टारगेट 40 था, लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करवा तो रहे हैं। कितने वृक्षों का जो है आज पौधों को रोपित किया गया आपके द्वारा? आज टोटल हम लोग ने 100 वृक्षों का वृक्षारोपण करने वाले हैं, अभी तो 50 वृक्षों का वृक्षारोपण हो चुका है, अभी और शाम तक हो जाएगा और ये सारे।